सो लेडीज एंड जेंटमेन वेलकम टू द मॉड्यूल वन ऑफ फाइव यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाने लगा है विच इज़ अ प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड अनसर्टनिटी इससे पहले जे बी क्लार्क साहब एक बात करते हैं और उन्होंने एक थियोरी ऑफ इकनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन दी थी जिसके अंदर उन्होंने प्रॉफिटलेस सोसाइटी के अंदर क्या होता है विच इज़ कॉल्ड स्टेटिक अच्छा स्टैटिक के अंदर वो क्यों कहा जाता है कि उसके अंदर जो है वो डिपेंडेंसी आपकी अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं होती या आपकी जो है वो डोमेस्टिक ग्रोथ नहीं हो रही होती और आप डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी सूरत में बैरूनी इमदाद बैरूनी चीज़ें और बैरूनी मामला तो वो स्टैटिक हो जाता है। अच्छा एक हिस्स हम कहते हैं कि यूनिवर्सल यु, यु, ट्रीट तो यूनिवर्सल ट्रेड ट्रीट इज़ लाइक वी आर वी आर हैविंग द वाटर हमें पानी मिल रहा है बाकी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन कुछ की डिपेंडेंसी आपके ऊपर यकदम आपके पास ऑयल की होती है अब अफ्रीका की तरफ ऑयल आना शुरू हो गया पहले सऊदीया की ट्रीट चल रही थी उसकी इकोनॉमी बढ़ गई लेकिन क्या आप ये एक मैयर कर सकते हैं कि वो स्टैटिक जो है वो एक थेरी पे आ रहा है या स्टेटिकल अप्रोच पर आ रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता अब देखेंगे हम स्टेटिक से जो है अनस्टेटिक की तरफ जाएंगे तो वो कौन से एलिमेंट्स uh, हैं जो कि हमारी अनसर्टेनिटी की तरफ से आते हैं पहले तो हमने स्टेटिक्स में समझ लीजिए कि वो नेचुरल यूनिवर्सल ट्रीट जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल ऑयल की तरफ से आ रही है तो आपकी जो रिजर्व हैं वो गोल्ड के निकल रहे हैं आपकी डिपेंडेंसी उसके ऊपर है आपकी ऑयल के ऊपर है आपकी जो इकानमी ऊपर है लेकिन यकदम आपके पास से जब से वो कम होता है और उसके ऊपर पेंडामिक आ जाता है अब इधर से हज और उम्र के पैसे कम हो गए इसी तरीके से आपका लोगों का सोशल डिस्टेंस शुरू हो गया इसी तरीके से ऑयल के प्राइस के अंदर चेंज आ गया इसी तरह से रिजल्ट आपके कम होना शुरू हो गए आपने जितनी भी डेवलप की थी आपको पता चला वो तो स्टैटिक यूनिवर्सल ट्रीट थी अब अनस्टैटिक के अंदर आएंगे तो अनसर्टेनिटीज आ गई ना सो वैक लग गया आपके ऊपर वैट टैक्स लग गए फ्लान टैक्स लग गए सो कई किस्म के टैक्सेस लगाने के बावजूद भी इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होगी आप याद रखिए कि आप जितना मर्जी टैक्स लगाएं पूरा यूरोप इस टाइम पे 65 परसेंट टैक्सेस पे है कोई इटली के अंदर 65 परसेंट जर्मनी के अंदर 57 परसेंट लाइक वाइज मैं आपको तकरीबन 10 से 15 मुल्क बता रहा हूँ कि जिसके अंदर 57 या 50 प्लस आपके टैक्सेस लग रहे हैं तो कोई आदमी जो है वो जो भी जॉब करेगा तीन लाख कमा के डेढ़ लाख मैं हुकूमत को दे रहा हूँ अच्छा उसके एवरेज में बिल्कुल वेलफेयर स्टेट के पैसे तो खा रहा था लेकिन अब जब मेरा बिजनेस इन्वयरमेंट है वो मेरे लिए अनसर्टन हो गई मेरे पास बिज़नेस के लिए मैं टैक्सेस दूंगा या मैं प्रॉफिट लूंगा सो so, मेरे लिए वहां के वेंचर्स कम हो गए इसी की एग्जांपल मैंने पाकिस्तान में दी चाइनीज़ पाकिस्तान में आना शुरू हो गए लेकिन यहाँ पर टैक्सेस एफ बी आर फला फ्लॉँ फ्लॉ उनके लिए मुश्किल हो गई तो वो स्क्वीज हो गया बिजनेस और काफ़ी हद तक स्क्वीज हुआ बिज़नेस तो उनकी अगली डेस्टिनेशन तो अफ़गानिस्तान बन जाएगी जहाँ पर फ़िलहाल ऐसी जगह चीज़ें नहीं होंगी सो ला लामा अनसर्टेनिटीज़ का दूसरा रिजल्ट एक और अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी अनरेस्ट पैदा हो जाता हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एवरी फर्म डील विद अनसर्टेनिटी विच इज वेरी क्लियर ना विच इज ऑफन नॉट एड्रस्ट वेरी वेल विद द विद्रेटर्जी फॉर्मुलेशन अब यहां पे लैक ऑफ स्ट्रेटजी आपका वेरिएबल नंबर वन ना अनसर्टेनिटी इज बेसिकली लैक ऑफ सर्टेनिटी अबाउट एन इवेंट जैसे मैंने आपको अर्ज किया भाई एफ बी आर एफ डी आई आपकी एक जगह से आ रहे हैं आपकी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है आप फॉर एग्जाम्पल ऑयल पे आ, रह रहे हैं आपकी एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर के अंदर अनसर्टेनिटी तो आएगी लेकिन कुछ रिजर्व जो मैंने कहा गोल्ड है डिपेंडेंसी गुड आपका ऑयल है ठीक है लेकिन कब तक सौ साल तक उसके बाद आपके बैरल्स के अंदर जो है वो फर्क आना शुरू हो जाएगा कुएं खाली होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी को उस वक्त बूस्ट मिलना चाहिए था ना यू मस्ट द अदर थिंग्स आप मार्बल्स में चले जाते आप स्टोनिंग में चले जाते आप जायन स्टोन में चले जाते आप मुख्तलिफ और इंडस्ट्री लगाते आप थर के अंदर एग्रीकल्चर शुरू कर देते आप ऐसे रेलिवेंट बिजनेस करते जिसकी वजह से इकानमी क्लैप्स ना करें मक्का मौजूँ और मदीना मुनवरा जैसी शान व शौकत वाली जगह लोग उसको आइडलाइज़ करते अब उनको क्या पड़ेगा वो किसिनो इकॉनमीमी की तरफ जाएंगे किसिनो इकानमी क्या करेगा जी दुबई की तर्ज के अंदर वहाँ पर किसिनोज होंगे क्लब्स होंगे पब्स होंगे तो वो आपका वेंचर बन जाएगा सो so, इस तरफ तरफ तो आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि जो सर्टन यूनिवर्सल ट्रेड थी वो अब खत्म होने को आ गई है सो so, एक इवेंट जब आएगा तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ लेके जाएगा और आप वैक्स समेत बहुत से टैक्सेस लगा रहे होंगे मूविंग ऑन इन द फाइनेंस इन द बिजनेस अनसर्टेनिटी इंप्लाइज दैट देयर इज एन एन टू प्रिडिक्ट आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू सम लैक ऑफ द नॉलेज और डेटा अब यहीं से आप समझ लें पता होना चाहिए कितने बैरल तेरह आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं आज के दिन चल रहा हूं लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल आज मैंने आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया मेरा थ्रोट काम कर रहा है मुझे अगले साल का पता नहीं है मेरी अगर डिपेंडेंसी कंप्लीटली इस पर तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और मेरा रिस्क मिटिगेशन नहीं है मैंने रिस्क को एनालाइज नहीं किया मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे पता होना चाहिए मैं अगले कितने साल चल सकूँगा और एक तो सडन डैमेज होगा जो कि मुझे नहीं पता फॉर एग्जाम्पल वो मेरी मौत की शक्ल में आ सकता है दूसरी बात कि मेरा गला कितना अरसा और काम करेगा और कितनी मैं थ्रेट में दे सकता हूँ और अगला थ्रेट ये हो सकता है मैं कितनी रीडिंग्स कर सकता हूं मैं कितने बिजनेसिस में इन्वॉल्व हूं मैं कितने गवर्नमेंटल मामला में इन्वॉल्व हूँ जब कंबाइन इफेक्ट के साथ मेरा नॉलेज अपडेटेड रहेगा तो मैं आपकी नजर में अपडेटेड रहूंगा जैसे ही मेरा ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा मुझे एनालाइज कर देना चाहिए कि मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए हाउ मेनी पीपल एंड हाउ मेनी ऑफ द परसेंटेज एम्पेरिकल डाटा देखिए कितने लोग ये अपने आप को इस तरह की सजेशन uh, देते हैं कि भाई अब आपका टाइम खत्म हो चुका है यू मस्ट हैव टू टेक रेस्ट आप अगर क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस करके दे रहे तो आप प्लीज रेस्ट कीजिए बाज आ जाइए नहीं ऐसा नहीं होता सो so, आपको समझना चाहिए कि सिग्निफिकेंट इवेंट से पहले आपको एक्यूरेट डेटा परफॉर्मेंस कर लेनी चाहिए नाउ द प्रॉफिट अंडर अनसर्टेनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड अपन द नॉलेज ऑफ आंटरप्रन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट फोर्सेस जैसे मैंने अर्ज किया सारा का सारा डिक्लाइन चेंज हो गया पैराडाइम चेंज हो गया एक तरफ एक तरफ पैराडाइम तो पैराडाइम की तरह अफ्रीका की तरफ अफ्रीका की तरफ वहां पे ऑयल रिजर्व निकल रहे हैं लेबर सस्ती है वहां पर वेज रेट कम है आपके लॉसेस कम हो रहे हैं टेक्सेशन कम हो रही है फ्री ट्रेड और लिबरलाइजेशन वहाँ पर ज्यादा बढ़ रही है और आपके तकरीबन पचास प्लस कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर भरा पड़ा है आपका अफ्रीका और इकोनॉमी उस तरफ मूव हो रही है लुक अफ्रीका की एप्लीकेशंस के ऊपर कितना काम हुआ अब तक अब ये चीजें जो मैंने आपको बताई कि हमें देखना होगा कि हमारे प्रॉफिट मोटिव्स चेंज होते हैं ना एंटरप्रेन्योर के लिए सही सेयर अर्थ यानी जमीन की सैब बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां-जहां आपको जहां-जहां जैसे-जैसे रिसोर्स मिले वहां मूव कर जाएं एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड and get the knowledge of uncertainty and tackling uncertainty and tackling the uncertainty is totally dependent on unknown Man when you are able to managing unknown you will manage uncertainty thank you very much